Hello everyone, my name is Rahul from Sun Valley School. Student, in this session we are going to discuss practice set number 15 of Arihant's book for Jawahar Navodaya Vidyalaya entrance examination. As a student jo Jawahar Navodaya Vidyalaya entrance examination ke preparation ke liye lage hue hain, unke liye ye video kafi helpful hoga. Is video mein especially hum maths se jo related problem hai, yani jo maths ka portion hai, wo hum check karenge, okay? और इससे पहले भी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1-14 का जो वीडियो लाए थे वो उसमें भी हमने मैथ्स के रिलेटेड जो प्रॉब्लम थे उनको क्लियर किया था। ऐसा देखा जाता है जब बात आती मैथ्स की तो वहाँ पे स्टूडेंट में थोड़ा सा डर और थोड़ा सा डिफिकल्टीज फील होती है, तो उस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए हम इस वीडियो को लेकर आते रहे हैं, ठीक है, जो आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। और उसी कड़ी में हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लाए हुए हैं, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे पहले की वीडियोस को ना चेक किया हो, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किए गए हैं, वहां से देख सकते हैं, उनको लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, ओके? तो चलिए हम आज का ये क्लास सेशन स्टार्ट करते हैं। स्पेशली मैंने बताया इसमें मैथ्स ही पोर्शन चेक किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ से जो क्वेश्चन का सेट है वो इंक्लूड किए गए हैं 20 क्वेश्चन फ्रॉम 41 to 60, और उन क्वेश्चन को हम 1 by 1 करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ओके, क्लियर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बेटा जी फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें गिवन है क्या है, जब -1 को -1 से 95 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल है। कह रहे सर -1 को -1 से ही 95 बार गुणा किया जाए, तो इसके लिए 95 बार गुणा मतलब, एक देखिए क्वेश्चन का थीम समझ में आना चाहिए। आप क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करने के बजाय हम क्या करेंगे, उसके थीम को, उसके लैंग्वेज को, टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे -1 को -1 से कितनी बार गुणा करने के लिए बोल रहे हैं, 95 बार गुणा करने का मतलब एक ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो हम ये चेक कर लें कि -1 का अगर हम ऑड और इवन टाइम मतलब सम बार और विषम बार गुणा करते हैं तो क्या आता है। पहले बात कर लें -1 का अगर हम 2 बार गुणा करते हैं तो क्या आता है, -1 into -1 सर +1 हो जाता है। कैसे, -1 into -1 देखो 1 1 जा 1 और -1 into -1 क्या हो जाता है, प्लस साइन आ जाता है। इस तरह से -1 का -1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाता है, +1। तो अगर हम इसका 3 बार गुणा करते हैं तो -1 multiplied by -1 multiplied by -1 इज इक्वल टू सर एक कम एक और माइनस का 3 बार गुणा करेंगे तो -± +, ठीक है। और ये सर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, +± इज इक्वल टू होता है माइनस। इट मीन्स यहाँ पे अगर हम माइनस का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा और आएगा क्या साथ में, 1। ऐसे ही अगर हम 95 बार गुणा करते हैं तो 95 एक विषम संख्या है, यानी -1 का विषम बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा सर, -1 ही आएगा। अगर आप सम बार गुणा करते हैं यानी किसी, अगर हम यहाँ पर 95 बार ना कहकर 96 बार किया गया होता तो आपका आंसर +1 आता। लेकिन इन्होंने पूछा है अगर -1 को -1 से 95 बार गुणा किया जाए तो क्या आएगा, गुणनफल क्या होगा, -1 ही होगा। Which option is correct? Option number B is correct. -1. Okay. तो I hope ये point clear हो गया होगा। तो next point की बात करते हैं, next question की। Okay? चलिए next question देखिए, question number जो 42 given है यहाँ पे, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, यानी सरलीकरण का क्वेश्चन है। तो इसको करते कैसे हैं, बाय यूजिंग बॉडमास रूल। कैसे, बॉडमास क्या कहता है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व ब्रैकेट। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन ऑफ मींस का होता है या ऑफ साइन होता है इंग्लिश में, तो उसे मल्टीप्लाई सॉरी उसको सॉल्व करते हैं। देन होता है डिविजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ब्रैकेट्स का यूज किया गया है, तो हम पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ही सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का जो वे होता है, सबसे पहले लार्ज ब्रैकेट सबसे बड़ा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, उसके बाद इस मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये वाला स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट को, देन आफ्टर क्या होता है, लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो ये सिंप्लीफिकेशन का वे होता है। चलिए इसको करते हैं, ओके। इन्होंने कहा, क्वेश्चन को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, 24 प्लस
लार्ज ब्रैकेट क्या यूज किया गया, 6 माइनस स्मॉल ब्रैकेट सॉरी मिडिल ब्रैकेट 5 माइनस 2, स्मॉल ब्रैकेट क्या यूज किया गया 4 माइनस 3, स्मॉल ब्रैकेट भी क्लोज, मिडिल ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया गया, इस तरह लार्ज ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया गया। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इन्होंने कहा 24 ऐसे रहने दीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटे वाले कोष्टक को सॉल्व करेंगे, उसमें जो भी ऑपरेशंस होगा उसी को फॉलो करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हो आप 4 माइनस 3 क्या दिया गया है, 4 माइनस 3 तो क्या आएगा 1, यहाँ से आप राइट करोगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये ब्रैकेट आपका यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, अब ओनली मिडिल ब्रैकेट रिमेंस होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब आप करोगे 24 ऐसे ही राइट कर दोगे प्लस 6 माइनस मिडिल ब्रैकेट, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट कर दूं कोई बात नहीं, डायरेक्ट ही कर देता हूं। 5 यहां पे आपका रिमेंस सही है, 2 1 2 यानी 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा भाई 3 बचेगा, तो यहां पे 6 माइनस 3 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट स्टेप, अभी एक लास्ट स्टेप रह गया 24 प्लस, अब इस लार्ज ब्रैकेट के प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो 24 प्लस 6 माइनस 3 इक्वल टू क्या 3 होगा यहाँ पे। सर 24 और 3 कितना हो जाता है 27 हो जाता है, इस तरह से इसका सिंप्लीफिकेशन यानी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के बाद क्या आता है 27, क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें जो बे होता है बस उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कौन सा सबसे पहले छोटे कोष्टक को उसका उससे मझले कोष्टक को यानी इससे बड़े वाले यहाँ इस साइन को हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद इस लार्ज ब्रैकेट को ऐसे ही सॉल्व करते रहते हैं। बाकी आपको डीमास रूल पता ही है, डीमास क्या कहता है अगर कहीं पे डिवाइड है तो सबसे पहले डिवीजन सेंटेंस, फिर मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस, फिर एडिशन, एट द लास्ट सब्ट्रैक्शन, यही डीमास होता है। इसी में बी ओ आर ऐड कर दिया जाता है तो ये बॉड मास हो जाता है, ब्रैकेट और ऑफ। ओके बात समझ में आ गई, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर भी हमें प्राप्त हो गया। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। इन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर 43 जो आपका दिया गया है 7.7, ठीक है क्वेश्चंस को यहाँ पे भी सॉल्व करना है, ऐड करना है, ये डेसिमल के प्रॉब्लम है जिनको हमें ऐड करना है, तो ठीक है ऐड करके हम दिखा देंगे क्या आएगा। चलिए इन्होंने कहा सर 7.7 प्लस 7.77 प्लस 7.777 यानी 7.77 ये 3 टाइम्स आ गया, यहाँ पे प्लस करके है 7.77 4 टाइम्स 7 आ गया। ओके चलिए ऐड करना है ना, बहुत ही इजी है, लेकिन ऐड करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे लाइक टर्म्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। लाइक टर्म्स यानी लाइक डेसिमल क्या होता है सर, लाइक डेसिमल मतलब होता है आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट सेम होने चाहिए, यानी दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान हो। तो ऐसे में अंकों की संख्या समान करने के लिए करोगे क्या, अगर आपको इस तरह से डायरेक्ट रो मेथड में नहीं कर पा रहे हो तो कॉलम मेथड में कर लो, ऐसे 7.7 लिख दिया गया ठीक है सर, इसमें क्या है दशमलव के नीचे दशमलव रखते हैं ऐड करने के लिए, तो 7.77 रखना है, चलो 7.77 उसके बाद 7.777 तीन बार हो गया, फिर 7.7777 ये 4 बार 7.7 के बाद आ गया। ऐड करना है तो यहाँ पे देखो एक सिंगल जीरो यहाँ रहेगा, फिर यहाँ जीरो, फिर यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, ये हो गया समान दशमलव भिन्न में परिवर्तित। समान दशमलव भिन्न का कहने का मतलब दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान हो गई। अब इनको जोड़ना यानी ऐड करना बहुत ही इजी है, जैसा सिंपल ऐड करते हो वैसे ही करना है आपको, 7.007 ही होगा, 7.7 14 to 4 यानी 7.7 14 के 4 और 7.3 21 और 1.22 के 2 हासिल आपका 2 आ गया, 7.4 28 और 2.3 के 0 3 हासिल, दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव लगा देते हैं और 7.4 28 और 3 कितना होता है 31 यानी आंसर आपका आ गया 31.0247। क्या कोई ऐसा आंसर, क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर डी आप देख पा रहे हो, ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्टली मैच कर रहा है, यहाँ पे जो ऑप्शन डी दिया गया 31.0247। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, सिंपल सा डेसिमल का एडिशन का प्रॉब्लम था, ठीक है इसको आपने बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट
थोड़ा सा माइंड का यूज करना था, जल्दबाजी नहीं करना था, कर लेते हैं, ओके। तो आई होप ये भी समझ में आ गई होंगी बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने कहा 84% बराबर है, बहुत इजी है। प्रतिशत को हमें क्या करना है, एक दस इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लाना है, यानी भिन्न रूप में लाना है। तो 84% है, जब भी बात होती है प्रतिशत की और उसे भिन्न रूप में परिवर्तित करना होता है तो 100 से भाग देते हैं। क्या 100 से भाग देते हैं। अगर कोई भिन्न रूप में है और प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुणा करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रतिशत रूप में है, हमें भिन्न रूप में लाना है यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में लाना है, तो करेंगे क्या, डिवाइड बाई 100। ठीक है, 100 से भाग दे दिया। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये होता है, कितने से कर रहे हैं आप, 4 से कर लो, 4 से तो हो ही जाएगा। यहाँ 25 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 4 × 2 = 8 और 4 × 1 = 4, 21/25 क्या आ जाएगा, 21/25। क्या कोई ऐसा मिल रहा है ऑप्शन, नहीं मिल रहा है क्या भाई, 21/25 84% बराबर है। चलो अभी मैं बताता हूँ थोड़ा सा इन्होंने किस तरह से किया है इसको। इसका अनदर फॉर्म ऑफ यानी इसी का हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट निकालेंगे, समतुल्य भिन्न निकालेंगे। 21/25 का अगर समतुल्य निकालते हैं तो 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दे तो 21 × 42 और 25 × 50, कहने का मतलब ये हो जाएगा इसी का समतुल्य क्या हो गया, 21/25 का 42/50। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है 42/50? हाँ, ऑप्शन नंबर बी देख पा रहे हो, एग्जैक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी 100% करेक्ट है फॉर दिस, ओके। तो ये भी क्लियर हो गया भाई, प्रतिशत को दशमलव भिन्न रूप में बदलना था, ये आ गया इसका भिन्न रूप। आपने कहा सर ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, तो क्या बात है, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा तो हम इसके अकॉर्डिंग इसका समतुल्य देखेंगे। इसका समतुल्य हमने देखा, सॉरी ऑप्शन का जिसका जो समतुल्य था 21/25 का, उसका समतुल्य क्या हो गया, 42/50। आपने समतुल्य भिन्नों में के रूप में परिवर्तित करना भी सीखा, समान संख्या से उस किसी भी भिन्न संख्या के अंश और हर में गुणा करने पे जो नई संख्या भिन्न संख्याएं प्राप्त होती हैं उसे समतुल्य भिन्न संख्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं, ओके। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है, दोपहर बाद 2:04 को लिखा जाता है, बहुत ही इजी है। 2:04 को क्या लिखा जाता है भाई, दोपहर के बाद जब भी जो समय होता है वो पीएम में रीडिंग करते हैं, उसको क्या, पीएम में रीडिंग किया जाता है। ठीक है, और जो दोपहर के पहले यानी कि 12 बजे के पहले की जो टाइमिंग होती है, रात 12 बजे के बाद और दिन के 12 बजे के पहले जो टाइमिंग होती है वो एएम में रीडिंग की जाती है। तो इन्होंने दोपहर के बाद 2:44 को इन्होंने क्या बोला है, तो 2:04 को लिखा जाएगा, ये 4 मिनट तो 04 लिखा जाएगा ना, यहाँ पे जो मिनट का रीडिंग होता है वो 2 डिजिट में होता है सर, 04 लिखेंगे, अगर 4 मिनट लिखना है तो उसको 04 लिखा जाएगा। इस तरह से 2:04 को जो दिखाना है तो इतना पीएम दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, पीएम, 2:04 को 2:04 PM दिखाएंगे। यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, भाई ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो बहुत ही इजी था, ये आप लोग जनरल सी बात है, सभी लोग समझते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये भी क्लियर हो गया, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की, जिसमें कह रहा है क्या, चलो देख। इन्होंने कहा है एक यात्री गाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक यात्री गाड़ी है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है स्टेशन से, एक माल गाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है तथा 4 घंटों में माल गाड़ी से आगे हो जाती है, माल गाड़ी की चाल क्या है। बात समझ में आ रही है, एक रेलगाड़ी है जिसकी खुद की जो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, एक जिस स्टेशन पे वो खड़ी है उसी स्टेशन से एक मालगाड़ी गुजरती है
और उस मालगाड़ी के गुजरने के 6 घंटे बाद ये खुद चलता है, ये रेलगाड़ी जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे रही है, और 4 घंटे में उसको पीछे छोड़ देता है। 6 घंटे बाद चला है लेकिन, ये ध्यान रखना, और फिर 4 घंटे चलकर उसको पीछे छोड़ देता है। तो हमें उस मालगाड़ी की चाल निकालनी है। चलिए हम बताते हैं कैसे करेंगे। भाई मालगाड़ी की चाल हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं एक्स, माना मालगाड़ी की जो चाल है मालगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब इस अगर ये आप बात कर लो, सर मालगाड़ी तो यहां पे थी, मालगाड़ी मान लीजिए ये मालगाड़ी ये जा रही थी, ये मालगाड़ी थी जिसकी स्पीड उन्होंने बताया था x, हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, ये 6 घंटे ट्रेवल की है, कितने टाइम तक, 6 आवर तक ट्रेवल की है। इसके बाद यहाँ जो रेलगाड़ी खड़ी थी वो चली है, रेलगाड़ी चली है कौन से स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसके बाद ये 4 घंटे और चला है, तब जाकर इस मालगाड़ी को पीछे छोड़ दिया। तो ठीक है, आप मेरी बात सुनिए, ऐसे नहीं करेंगे हम, पहले ये निकाल लेंगे कि ये 6 घंटे में कितनी दूरी तय किया होगा। इस मालगाड़ी ने अपनी चाल x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे में कितनी दूरी तय किया होगा, तो आप ये निकालोगे मालगाड़ी द्वारा 6 घंटे में तय की गई दूरी। तय की गई दूरी 6 घंटे में कितनी है, चाल इसकी कितनी है, x किलोमीटर, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो चाल इसकी x किलोमीटर प्रति घंटे थी और समय इसने 6 घंटे लिया यानी 6x किलोमीटर, कितना आ गया 6x किलोमीटर की दूरी इसने 6 घंटे में ऑलरेडी तय कर लिया, ठीक है। लेकिन अब ये रेलगाड़ी जो चलती है ये अब इसके साथ मान लेते हैं सापेक्षिक चाल की बात करेंगे। यहाँ पे देखो क्या इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सापेक्ष यानी रिलेटिव मोशन की बात करते हैं, और रिलेटिव मोशन कैसे निकालते हैं, ये रेलगाड़ी भी इसी तरफ, मालगाड़ी यहाँ पे मान लीजिए पहुंची थी, जो मालगाड़ी थी यहाँ पे पहुंच चुकी है और ये अपने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल ही रही है अभी, ठीक है। रेलगाड़ी ये जो अभी चलना शुरू की है 6 घंटे बाद उसकी स्पीड खुद की रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अब चल रही है, ठीक है। अब अगर हम इसकी सापेक्षिक चाल की बात करें, रेलगाड़ी की, इस रेलगाड़ी की सापेक्षिक चाल की बात करें, तो सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, इसको हमें रेस्ट पे रखना होगा। ऐसा मान लेंगे कि ये विराम पे है, ये रुकी हुई थी, ये चल नहीं रही है, अभी चल रही है, लेकिन हम जब सापेक्षिक चाल की बात करते हैं तो एक को रोकते हैं, एक को रोक कर उसके सापेक्ष दूसरे की चाल निकालते हैं। तो मान लेते हैं ये रुकी हुई है, एट रेस्ट है, एट रेस्ट मतलब भाई रुकी हुई है ये वाली गाड़ी। तो अब ये जो रेलगाड़ी है ये इसको कौन से स्पीड से इसके पीछे लगी हुई होगी, इसकी खुद की चाल इसमें घट जाएगी। आपने देखा ना, जब आप एक ही दिशा में दो लोग अपनी अलग अलग चाल से जा रहे हैं तो पीछे वाला जो अगर बैठा है दूसरे वाले को ऑब्जर्व करता है तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं इस अपनी खुद की स्पीड से जितना चल रहा हूं उतना स्पीड से। अगर ये तेज है या ये स्लो है, ठीक है, ये तेज है मान लो, दूसरा वाला तेज जा रहा है, ठीक है, दूसरा वाला बहुत ही फास्ट जा रहा है, तो अपनी उतनी स्पीड नहीं नजर आएगी उसकी खुद की जितनी तेज जा रहा है, बल्कि जितनी स्पीड इसकी होगी, मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था और ये 20 किलोमीटर दूसरा वाला, तो दूसरे गाड़ी पर बैठे लोग अपने आप को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाते हुए नहीं महसूस करेंगे, वो एग्जैक्टली इस गाड़ी को देखेंगे तो कैसा महसूस करेंगे, उन्हें लगेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं, इसकी जो गति है पहले वाले की वो घट कर इसमें उनको ऐसा महसूस होगा, ऐसा प्रतीत होगा कि हम 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ये कैसे क्यों फील होता है, क्योंकि सापेक्षिक चाल की बात कर रहे हैं और सापेक्षिक चाल में इसकी स्पीड पहले वाली गाड़ी की स्पीड इस दूसरे वाली गाड़ी की स्पीड में घट जाएगी, क्योंकि एक ही दिशा में चल रहे हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों की चाल बढ़ जाती है, यानी एक दूसरे को बहुत तेज अपनी ओर आते हुए देखते हैं, जबकि ये नहीं फील करते कि हम भी चल रहे हैं उसकी तरफ। अगर केवल उस गाड़ी को देखें तो लगेगा वो हमारी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है, और ऐसा तब होता है कि जब दोनों की चाल क्या होती है, जुड़कर नजर आती है, ठीक है।
ये सापेक्षिक चाल का कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम इसका एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा देखिए, रेलगाड़ी की मालगाड़ी द्वारा 6 घंटे में तय की गई दूरी कितनी होगी, 6x किलोमीटर। अब हम बात करेंगे रेलगाड़ी की सापेक्षिक चाल, रेलगाड़ी की मालगाड़ी के सापेक्ष चाल, मालगाड़ी के सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल की बात करेंगे तो वहां पे 60 - x हो जाएगा, क्योंकि ये इसको क्रॉस किया है ना रेलगाड़ी ने मालगाड़ी को, इसका मतलब इसकी स्पीड ज्यादा, तो इसमें से इसकी स्पीड घट जाएगी, उस स्पीड से ये इसकी तरफ बढ़ रहा होगा, ठीक है। मालगाड़ी में जो बैठा हुआ व्यक्ति होगा अपने पीछे आ रही रेलगाड़ी को इसी स्पीड से आते हुए देखेगा, 60 - x किलोमीटर प्रति घंटे। अब इस चाल से उसने दूरी कितनी तय की, क्योंकि अब ये तो रुक गया है, एट रेस्ट हो गया है मालगाड़ी, हमने क्या मान लिया कि भाई रुक गया है यहीं पे, जबकि रुका नहीं हुआ है, लेकिन सापेक्षिक चाल में रुक जाएगा। रुका हुआ तो इससे कितनी दूरी तय करनी होगी, सर इतनी दूरी तय करनी होगी जितनी उसने 6 घंटे में तय कर ली है, जितनी उसने 6 घंटे में तय कर लिया ऑलरेडी, उतनी ही दूरी अब इसे तय करना होगा। तो 6 घंटे में तय कर लिया कितनी दूरी, 6x, और लगेगा समय कितना, लगेगा कुल समय 4 घंटे जो ये खुद का लेगा, और 6 घंटे इसने जो चलाया उसका, यानी कुल समय 10 घंटे लग जाएंगे। यानी कहने का मतलब आपको चाल पता है, चली गई दूरी पता है, लिया गया समय उसकी बात कर लेते हैं, लिया गया कुल समय कुल समय की बात करें तो 10 घंटे हो जाएंगे, 4 घंटे ऑलरेडी ये रेलगाड़ी अपनी खुद की लेता है और 6 घंटे जो मालगाड़ी चला है, यानी इस तरह से 10 घंटे। बात क्लियर हो गई, अब बात कर लो 10 घंटे इसको लग गए और इसकी जो चाल है 60 - x है, चली गई दूरी 6x किलोमीटर है, तो ऐसे में चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, या कुछ भी दूरी बराबर चाल गुणे समय ऐसा भी कह सकते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चल इसी फार्मूले का यूज कर देते हैं, दूरी कितनी 6x किलोमीटर की दूरी थी, चाल कितनी 60 - x की चाल थी इसकी रेलगाड़ी की, सापेक्षिक चाल की बात करें, समय कितना लगा 10 घंटे लगे। अब इसी को सॉल्व करना है, तो चलो इसे काट देते हैं, यहाँ से 3 × 6 और 5 × 10, तो 5 × 10 और 3 × 6, अब इसका 5 के अंदर गुणा कर देते हैं, यहाँ x 3x बचेगा, कितना होगा 3x, और यहाँ पे 5 × 6 = 30 यानी 300, और ये माइनस का 5x, बात समझ में आ रही है। यहां से इस 5x को इधर ले आते हैं तो 8x हो जाता है बराबर 300, कुल मिला के x बराबर 300/8, कितना 300/8, चलो भाग दे देते हैं, तो 8 × 3 = 24, यहाँ 6 से 60 हो गया, 8 × 7 = 56, फिर 4 से 40, 8 × 5 = 40, यानी 37.5 किलोमीटर प्रति घंटे की ये आ गई x की वैल्यू। और ये x हमने माना क्या था, माना था स्टार्टिंग में, हमने क्या माना था x को, माना ये गया था कि जो मालगाड़ी की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटे है, इस तरह से जो मालगाड़ी की चाल आ गई कितनी आ गई 37.5 किलोमीटर प्रति घंटे। कैसे किया गया, पहले हमने मान लिया कि मालगाड़ी ने 6 घंटे में जो x चाल से चला है कितनी दूरी तय किया होगा, 6x किलोमीटर, कितनी दूरी तय किया 6x किलोमीटर। फिर हमने कहा अगर उसने 6x किलोमीटर की दूरी तय किया है तो फिर सापेक्षिक चाल की बात करें, रेलगाड़ी की सापेक्षिक चाल हमने माना कि अगर अब वो मालगाड़ी रुकी हुई है तब उसकी सापेक्षिक चाल हो जाएगी रेलगाड़ी की 60 - x, और कुल लिया गया समय, कुल लिया गया समय
6 घंटा उसने ऑलरेडी चलकर जो दूरी गया है उसके बाद 4 घंटा खुल लेता है रेलगाड़ी, इसका मतलब खुल लिया गया समय 10 घंटे, समय पता चल गया, चली गई दूरी पता चल गई, चाल पता है तो इसका फार्मूला लगा दिया गया, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल कितनी सॉरी दूरी कितनी 6x किलोमीटर की दूरी तय करना था, चाल कितनी थी 60 - x, समय कितना लगा 10 घंटे। इस तरह से सॉल्व करने पर x बराबर आ गया 37.5 किलोमीटर प्रति घंटे, ये मालगाड़ी की चाल आ गई। तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, तो क्या 37.5 मिल भी रहा है ऑप्शन में, हमने कह तो दिया। हाँ, ऑप्शन नंबर सी देख पा रहे हो ना, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो एग्जैक्ट मैच कर रहा है 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने कहा एक व्यक्ति किसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर रहे हैं हम, एक व्यक्ति जो किसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है, यदि उसके द्वारा कुल 2 घंटे 20 मिनट का समय लगता हो तो वह दूरी होगी। अलग अलग चाल से गया है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक बार गया है, एक बार 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया है, और कुल जो लगा समय है 2 घंटे 20 मिनट का समय लगता हो तो वह दूरी होगी। एक चीज तो सही है ना, जितनी दूरी वो चलकर गया होगा उतनी ही दूरी वापस आया है, ठीक है, यानी दूरी समान है उतनी ही दूरी। अब अलग चीज है कि वो अलग अलग चाल से अलग अलग समय लगा होगा उसको, दूरी तो समान तय कर रहा है, तो कुल मिला के अलग अलग चाल से चली गई दूरी को उसी दूरी को लिया गया समय अलग अलग निकाल लेते हैं और कुल समय के बराबर कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात, चलिए करके दिखाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 47 की बात करने जा रहे हैं हम लोग। इन्होंने कहा किसी व्यक्ति की एक व्यक्ति किसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। माना मान लेते हैं दूरी कितनी है, माना वह दूरी x किलोमीटर थी, वह दूरी x किलोमीटर थी, ठीक है भाई, x किलोमीटर थी। अब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से व्यक्ति द्वारा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दूरी को तय करने में लगा समय समय ही निकालना है। अगर समय निकल गया, क्योंकि हमें समय दिया गया है टोटल कुल कितना समय लगता है, तो आने जाने में कुल लगा समय निकालने के लिए पहले जाने का समय और आने का समय निकाल लेते हैं तो कुल समय के बराबर कर देंगे। इस तरह से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दूरी को तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, तो दूरी भाई समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी x किलोमीटर की थी, चाल इसकी है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया है, यानी इतने घंटे लग जाएंगे, x बटे 12 घंटे। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार व्यक्ति को वापस लौटने में कौन से, लेकिन चाल क्या रही है वापस लौटने में, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस लौटा वो व्यक्ति को 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आने में लगा समय। भाई यहाँ भी समय की बात कर लो तो वापस आने में लगा समय, दूरी तो समान तय करके आया है, यानी दूरी उसके लिए वही रहेगा, दूरी कितना x किलोमीटर रहेगा, चाल इसकी बदल गई थी यहाँ पे 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया है तो इसके लिए लगा समय कुल कितना हो जाएगा x बटे 9 घंटे। ओके चलो, अब इन्होंने कुछ और भी दिया उसकी बात कर लेते। इन्होंने कहा कुल लगा समय की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, कुल लगा समय इन्होंने दिया था 2 घंटे 20 मिनट, ये दिया। देखो आप लोग देख पा रहे हो ना क्वेश्चन में 2 घंटे 20 मिनट, तो इस 2 घंटे 20 मिनट को 2 घंटे 20 मिनट चलो
मिनट को मिनट इंग्लिश में ऐसा लिख देता, कोई दिक्कत नहीं। 2 घंटे 20 मिनट, घंटा तो घंटा है अभी, 20 मिनट को क्या करोगे घंटे में चेंज करो, क्योंकि हम सारा क्वेश्चन जो समय है हमारा घंटे में है, सब आवर में था, तो इस घंटा तो घंटा ही रहेगा, प्लस 20 मिनट को और घंटे में बदलना है तो 60 से भाग दे देंगे, क्योंकि मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे देते हैं। अब ये हो जाएगा 1/3, 20 से कम 20, 20 से 60, और 2 से 1/3 का मतलब 3 × 6 = 7/3 घंटे, कितना हो जाएगा 7/3 घंटे, ठीक है, कुल लगा समय। ठीक है सर, ये कुल लगा समय 7/3 घंटे है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कुल लगा समय आने और जाने में लगा समय होगा, यानी कि उसको जाने में कितना समय लगा था और वापस लौटने में कितना समय लगा था, यही हम पता कर लें। तो जाने में लगा समय था 1/12 घंटे, आने में लगा समय था 1/9 घंटे, यानी कुल लगा समय इसके बराबर कर देंगे, पहले जाने में लगा 1/12 प्लस आने में 1/9 घंटे लगा था, कुल लगा समय 7/3 घंटे के बराबर हो गया। अब इसी को कहा सॉल्व करना है, चलो एक्स कॉमन कर लो, एक्स निकाल लो, तो यहाँ 12 और 9 का जो लगातार हो जाएगा कितना हो जाएगा 36 ही हो तो होगा, और ये 12 + 3 = 36 यानी 3 हो जाएगा, और ये 9 + 4 = 36 यहाँ 4 हो जाएगा, और कुल मिला के यहाँ 7/3 हो जाएगा। चलो एक्स के लिए सॉल्व करना है, तो एक्स गुड़े 7/36 बराबर 7/3। अब आप देखो यहाँ से डायरेक्ट 7 × 7 = 7, 3 × 3 = 3, 12 × 3 = 36, कुल मिला के 12 × ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जाएगा, और इधर हो जाएगा x बराबर 12 × कितना हो जाएगा 12, कुल मिला के 12 क्या आया, x किसको हमने माना था, x क्या माना गया था, दूरी, यही तो दूरी थी माना गया था, माना हुआ दूरी x किलोमीटर थी, इसका मतलब x आ गया कितनी, x कितनी आ गई भाई 12 किलोमीटर की दूरी उसने तय किया। कैसे किया गया चलिए मैं बताता हूं कैसे किया गया, कैसे किया गया, इस तरह से आंसर आपका आ गया 12 किलोमीटर जो दूरी थी जो उस व्यक्ति ने तय किया, ठीक है। अब इसको निकाला कैसे गया, पहले हमने क्या किया, मान लिया वो दूरी x किलोमीटर थी, तो उसे 12, अब हम कहते हैं तो व्यक्ति द्वारा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से x किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय x बटे 12 घंटे हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि दूरी समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी x थी, चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटे थी, तो x बटे 12 इसकी समय लगा इतना घंटा। अब व्यक्ति को वापस आने में लगा समय, तो वापस आने में इसकी जो चाल थी बदल गई थी, 9 किलोमीटर प्रति घंटे थी, तो दूरी तो उतनी ही समान थी, यानी x बटे 9 घंटे इसका ये लगा समय हो गया वापस आने में। कुल मिलाकर कुल लगा समय 2 घंटे 20 मिनट बताया गया था, इसको हमने 20 मिनट को घंटे में बदला, और यहाँ से 1/3 घंटे और आ गया, इसमें 2 घंटे में जुड़ जाएगा, 7/3 घंटे कुल लगे, और ये 7/3 घंटे लगे कैसे, जाने में लगा समय प्लस वापस आने में लगा समय, यानी ये कुल मिलाकर 7/3 घंटे के बराबर कर दिए गए। यहाँ से सॉल्व किया गया फॉर x, x हमने कॉमन कर लिया, 3 + 4 क्योंकि इसका एलसीएम 36 होगा ना लघुत्तम, और यहाँ से 3 होगा यहाँ 4, इस तरह से सॉल्व करने पर आ गया x = 12 किलोमीटर यानी 12 किलोमीटर। बात समझ में आ गई, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, चलिए देखते हैं कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर डी, देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो यू हैव टू टिक दिस, यानी आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा जी, अब बात कर लें क्वेश्चन नंबर 48 की, तो इसमें दिया क्या गया, कह रहे हैं 8 किलोग्राम 350 ग्राम से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाइए, तो ठीक है, घटाने के लिए आप यूनिट कन्वर्जन आप जानते हो किस तरह से होता है, चलो हम बताते हैं कैसे करेंगे इसको। बात करना हमें 8 किलोग्राम 350 ग्राम, तो आप क्या करोगे, आप एक तरफ किलोग्राम राइट कर लो, एक तरफ ग्राम राइट करो, हमें किसमें से 8 किलोग्राम 350 ग्राम हो गया, इसमें से घटाना है 3 किलोग्राम 178 ग्राम, ठीक है, तो बहुत ईजी है, घटा दीजिए भाई, यहां से 0 में से 8 जाएगा 2 आ जाएगा, नहीं 10 में से 8 जाएगा 2 आ जाएगा, और यहां से 14 में से 7 जाएगा 7 बचेगा,
और यहाँ दो में से एक जाएगा तो आपका एक ही बचेगा, कुल मिला के यहाँ से 172 ग्राम हो जाएगा। क्या बचेगा? यहाँ 8 में से 3 जाएगा, 5। इस तरह से 5 किलोग्राम 172 ग्राम। क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्टली मैच कर रहा है। ओके, 5 किलोग्राम 172 ग्राम है ना, यही तो 5 kg 172 g। ओके, तो इस तरह से ये बहुत इजी था, कुछ था नहीं इसमें, है ना, बस सबट्रैक्शन ही तो था, सिंपल सा कर लिया आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 49 के। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें करना क्या है, किसी घन के एक सतह का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है तो घन के बिकड़ की लंबाई क्या होगी? घन के एक सतह का क्षेत्रफल, आप जानते हो जो घन होता है, आपको मैं क्लियर करा दूं घन क्या होता है, जो घन होता है कैसा होता है, घन एक ऐसा 3D शेप होता है, घन क्या होता है, एक ऐसा 3D शेप होता है जिसके ऑल फेसेस स्क्वायर्ड होते हैं, स्क्वायर फेसेस होते हैं, मतलब जो जितने भी इसकी सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं इसमें, कितनी सतह होती हैं, 6, और ये 6 सतह किस प्रकार की होती हैं, वर्गाकार होती हैं, वर्गाकार सतह होती है। आप इसके एग्जाम्पल डाइस को बताते हैं, आइस क्यूब को बताते हैं, ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं घन के। इसकी सारे फलक बराबर होते हैं, इसके एज यानी कोण भी बराबर होते हैं, इसकी भुजाएं जो हैं विमाएं वो भी बराबर होती है, ए ए ए, क्योंकि वर्ग है ना। अरे ये ए है तो इसकी ये लंबाई है, मान लीजिए एक सतह की बात कर लो, केवल एक सतह की बात कर लें, तो ये इसकी लंबाई ए है तो चौड़ाई भी कितनी होगी, ए ही होगी, क्योंकि ये एक वर्ग है, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। इन्होंने कहा इसके एक सतह का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है तो घन के बिकड़ की लंबाई क्या होगी, घन के बिकड़ की लंबाई क्या होगी, तो घन की बिकड़ की लंबाई जो होती है वो होती है L इज इक्वल टू, देखिए वैसे होता है L इज इक्वल टू, अगर हम बिकड़ की लंबाई की बात करें, घनाभ के बिकड़ की लंबाई होती क्या है, ये घनाभ होता है, अगर घनाभ होता तो फार्मूला क्या होता है उसके लिए, L इज घन के बिकड़ की लंबाई निकालना है ना, देखिए घन के बिकड़ की जो लंबाई, घन नहीं घनाभ की बात कर लो, सबसे पहले हम घनाभ की बात कर लें, घनाभ के बिकड़ की लंबाई के लिए फार्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब ये आपने कहा सर l b h क्या है, जहां पे l आपका लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड है, मतलब ये घन का लंबाई होता है, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, लेकिन यहाँ पे सब सारी चीजें बराबर होती है सर, क्या इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर होती है, क्षेत्रफल दिया गया, चलो पहले क्षेत्रफल के थ्रू निकाल लेते हैं, कहाँ गया क्वेश्चन, ये है पहले इसका क्षेत्रफल दिया गया, घन का क्षेत्रफल है, घन का क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 256 वर्ग सेंटीमीटर, 256 वर्ग सेंटीमीटर घन का क्षेत्रफल, यानी कि इस वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बराबर 256 भुजा का वर्ग a इंटू ए स्क्वायर, a बराबर अंडर रूट ऑफ 256, कहने का मतलब कितना हो गया, 256 का वर्गमूल होता है 16, कितना होता है 16, यानी इसकी भुजा कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर, तो इसमें तो सारी भुजाएं समान होती हैं, यानी कहने का मतलब ये है अगर हमें इसे बिकड़ की लंबाई निकालनी है तो बिकड़ की, घन की बिकड़ की लंबाई कैसे निकालेंगे, घन की बिकड़ की लंबाई फार्मूला वही L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, मतलब इसमें सारी भुजाएं L, B, S सारे एक ही है, L ये है ये B है भाई, ये L हो गया ये B हो गया ये H, तीनों एक ही है, A है A है A है, और A मतलब कितना आ गया 16, यानी 16 का वर्ग, यहाँ भी 16 का वर्ग, यहाँ भी 16 का वर्ग, इस तरह से करते जाएंगे। अब कुल मिला के क्या आएगा सर, 256 प्लस 256 कितनी बार आएगा, 256 तीन बार आएगा, है ना, यही तो 256 प्लस 256 प्लस 256 16 का वर्ग कितना होता, 256 अभी आपने किया, अब तीनों बार जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, जोड़ने पर हो जाएगा 6 6 12 और 6 18 8, 5 5 10 15 1 16 के 6 और 2 2 4 और 2 6 और 1 7 768,
कितना आ गया 768। चलो इसका अंडर रूट निकाल लो। क्या निकाल लोगे? अंडर रूट, क्योंकि ये इसका वर्गमूल है ना, d बराबर निकालना विकर्ण की लंबाई, तो इसका अंडर रूट वर्गमूल निकालो। वर्गमूल निकालने के लिए आप फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। 768 दो से काट देते हैं तो दो से तिहाई छः, फिर दो आठ सोलह, दो चौकाट, फिर दो से काट देते हैं 19 गुणा 38, फिर दो से काटेंगे तो 9 दुनी 18 और 6 दुनी 12, दो से 48, फिर क्या काटेंगे, दो से ही काटेंगे, दो से 24, दो से 12, दो से 6, दो से 3 और इस तरह से 3 से 1, ठीक है। जोड़ा बना लो, पेयर बना लो, पेयर बना लो, पेयर बना लो। कितने पेयर मिले? 1 2 3 4 2 के कितने पेयर? 4। और एक जो नॉन मतलब जो पेयर में नहीं है वो आपका क्या है? 3। तो ये आपका अंडर रूट 3 हो जाएगा। चलो 2 2 4 2 8 2 16 कुल मिला के 16√3। क्या ऐसा कोई आंसर है? क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है? 16√3 16√3 बिल्कुल मैच कर रहा है, देख पा रहे हो। ये आपका ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्टली मैच कर रहा है, 16√3। आया कैसे? हमने पहले किया सतह का क्षेत्रफल का यूज। सतह का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, घन का सतह जो होता है वो वर्गाकार होता है, उसका क्षेत्रफल दिया था 256 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां से मैंने इसका भुजा निकाल लिया, घन की भुजा होती है, मतलब भुजा निकाल लिया। ए स्क्वायर बराबर 256, तो ए बराबर अंडर रूट यानी वर्गमूल निकाल लिया 256 का और 16 आ गया। इस तरह से भुजा की लंबाई आ गई 16 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं जो घन की विकर्ण होती है वो क्या होती है, सेम फार्मूला घन और घन आपके लिए होता है विकर्ण के लिए, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है भाई, एच स्क्वायर। मतलब इसमें तीनों ही भुजाएं समान होती है, इसकी तीनों ही बीमाएं समान होती है, तो सारे समान करके रख दिया, ऐसे अंडर रूट आ गया 768 और उसका वर्गमूल निकालने पे 16√3। कितना? 16√3 यानी ये आ गया। तो आपने कहा 16√3 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको हम टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए टिक कर देते हैं और टिक भी कर दिया गया, तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे। हम इन्होंने कहा एक आयताकार प्लाट की लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 गुना है, 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तड़ताल इस प्लाट का 1/4 भाग घेरता है, प्लाट की लंबाई है, एक आयताकार प्लाट है इसकी चौड़ाई जो है 4 गुना है, किसकी लंबाई जो है, सॉरी क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है, एक आयताकार प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है, यानी जो उसकी चौड़ाई है उसका 4 गुना है। 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तड़ताल इस प्लाट का 1/4 भाग घेरता है, प्लाट की लंबाई है, 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तड़ताल इस प्लाट का 1/4 भाग घेरता है, प्लाट की लंबाई है। तो लंबाई निकालना है, देखो सबसे पहले हम प्लाट की बात कर ले, प्लाट कैसा है? आयताकार है, तो ठीक है आयताकार प्लाट, प्लाट की बात कर लेते हैं हम लोग। ये मान लेते हैं प्लाट है आयताकार, इसकी जो लंबाई है चौड़ाई की 4 गुनी है, मान लेते हैं चौड़ाई कितनी है x होगी और लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, तब 4 गुनी हो जाएगी तो 4x हो जाएगी। प्रश्नानुसार ये x है चौड़ाई, तो ये 4 गुनी हो जाएगी 4x। इन्होंने कहा एक तरड़ ताल है जो कैसा वर्गाकार है, ताल इसके बीच में बनाया गया है जो वर्गाकार है, जो 8 मीटर भुजा वाला है, इन्होंने ही बताया 8 मीटर भुजा वाला है, और इस पूरे प्लाट का 1/4 भाग घेरता है। 8 मीटर भुजा वाला है यानी ये मान लीजिए 8 मीटर भुजा वाला वर्गाकार है ना, तो वर्गाकार इस तरह से बनाते हैं हम लोग, मान लेते हैं ये 8 मीटर भुजा वाला हो गया, ये भी इसकी लंबाई अगर जितनी होगी चौड़ाई भी उतनी 8 मीटर होगी, ठीक है। यहां से करना क्या आपको, इस तरड़ ताल की क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल कितना, बहुत इजी है ना, तरड़ ताल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले इस वर्ग का या वर्गाकार जो तरड़ ताल इसका क्षेत्रफल की बात कर लें, चलो पहले इसी की बात कर लें, वर्गाकार तरड़ ताल का क्षेत्रफल, वर्गाकार तरड़ ताल का क्षेत्रफल,
अब भाई वर्गाकार ताल का क्षेत्रफल तो भुजा गुड़े भुजा यानी कि इसी का वर्ग हो जाएगा, 8 × 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये 64 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर सेंटीमीटर में है तो मीटर में है भाई, किसमें है मीटर में है तो मीटर में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं जो ये क्षेत्रफल आया है वर्गाकार ताल का क्षेत्रफल है, इस पूरे प्लाट के क्षेत्रफल का 1/4 है, तो प्लाट का क्षेत्रफल निकालो, पूरे प्लाट का क्षेत्रफल, पूरे प्लाट का क्षेत्रफल, पूरे प्लाट का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल आयत का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई इसकी 4x है और चौड़ाई कितनी x है, इस तरह से पूरे आयत का क्षेत्रफल 4x स्क्वायर आ जाता है। कितना आ जाता है, 4x स्क्वायर। जो ये तरण ताल है ये पूरे आयत के क्षेत्रफल का 1/4 है, यानी अब दोनों प्रश्नानुसार ये कह रहे 1/4 है तरण ताल का क्षेत्रफल पूरे आयत के क्षेत्रफल का 1/4 है, तो ये तरण ताल का क्षेत्रफल हो गया और ये आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। लेकिन ये इसके बराबर तब होगा जब इसका 1/4 कर दें, कहने का मतलब ये जो तरण ताल का क्षेत्रफल है इसके 1/4 के बराबर, तो हमने कहा 1/4 के बराबर कर देते हैं इसको, ठीक है। अब कर दो इसको सॉल्व करने वाला, 4 × 4 कट गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 64, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 8, इसका वर्गमूल कितना होगा, अरे इसका वर्गमूल 8 ही तो होता है, 8 मीटर एक्स आ गया। कुल मिला के क्या बताना हमें, प्लाट की लंबाई, तो अतः प्लाट की लंबाई जो हो जाएगी, अतः प्लाट की लंबाई कितनी है, 4x के बराबर है, 4x मतलब 8 × 4 = 32, कितना हो जाएगा, 4 × 8 = 32 मीटर, कितना 32 मीटर। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, इसके लिए देख पा रहे हैं आप लोग मैच कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम टिक कर देंगे। बात समझ में आ गई, जैसा क्वेश्चन का स्टेटमेंट था उसी को फॉलो करना था, कुछ अलग से कॉन्सेप्ट अलग से आइडियाज यूज नहीं करने, जो दिया गया है उसी का यूज करना, बस बात खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ओके। बात कर लें क्वेश्चन, अभी मैंने 50 किया, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की, जिसका जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये इन्होंने कहा राजीव ने एक दिन किताब का 3/8 भाग पढ़ा, बकाया किताब का 4/2 भाग दूसरे दिन पढ़ा, अब किताब के 30 पृष्ठ बच गए हैं, किताब के कुल कितने पृष्ठ थे, किताब के कुल कितने पृष्ठ थे। तो यानी जो बचा हुआ भाग है पहले वो निकालो, जो बचा हुआ भाग है वो 30 पृष्ठ के बराबर है, तो कितना पढ़ लिया उसने एक दिन में, पहले दिन उसने एक दिन पढ़ा कितना भाग, 3/8 भाग, ठीक। दूसरे दिन उसने 4/2 भाग दूसरे दिन बराबर पढ़ा गया उसके द्वारा 4/5 भाग, कुल भाग, कुल पढ़ा हुआ भाग, पढ़ा हुआ भाग की बात करें तो पढ़ा हुआ जो भाग है वो कितना होगा, 3/8 + 4/5, इसके द्वारा इतना भाग पढ़ा गया है, तो पढ़ा गया भाग आप निकालने के लिए जोड़ दो, 8 × 5 = 40 और 5 × 3 = 15, 8 × 4 = 32, कुल मिला के 47/40 भाग इसमें पढ़ लिया, हा? यही तो है 3/8 = 4/5। किताब का 4/5 भाग एक दिन पढ़ गया और पहले दिन 3/8 भाग पढ़ा था, कुल मिला के अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 47/40, 3/8 पढ़ लिया था और 4/5, 5 × 15 = 8 × 32, 15 × 5 = 47, ठीक तो है। हाँ ठीक तो है, तो इसमें हम कर रहे थे कि एक दिन में उसने 3/8 भाग पढ़ा, दूसरे दिन 4/5 भाग, कुल पढ़ा हुआ भाग 47/40, ये कुछ तो गलत हो गया है,
कुछ तो रॉन्ग हुआ है, क्या रॉन्ग हुआ, फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। राजू ने एक दिन किताब का 3/8 भाग पढ़ा, बकाया किताब का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा। ओह ये मैंने गलती किया, यहाँ पे जो इसने कहा था बकाया हुआ कि बकाया किताब का उसने 4/5 भाग पढ़ा था, जबकि मैंने उसी किताब का 4/5 जो पूरी किताब का निकाल दिया वो मैंने जोड़ दिया, ये गलती किया हूं। तो आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से फिर से करेंगे, थोड़ी सी गलती हो गई। चलिए, राजू ने एक दिन किताब का 3/5 मान लिया, कुल भाग कितने थे, कुल पृष्ठ कितने थे, कुल कितने भाग थे, भाग से नहीं मतलब कुल कितने पृष्ठ थे, एक्स पृष्ठ थे। माना कुल कितने पृष्ठ थे किताब के, यही तो ना, माना किताब के एक्स पृष्ठ थे, किताब के एक्स पृष्ठ थे, इस एक्स का 3/8 भाग पहले पढ़ लिया गया था, यानी जितने भी नंबर ऑफ पृष्ठ थे उसमें उसका 3/8 भाग पहले एक दिन में पढ़ा गया, यानी पहले दिन पढ़ा गया भाई एक्स का 3/8 भाग, यानी 3x/8 इतना भाग पढ़ लिया गया। दूसरे दिन बकाया किताब का, दूसरे दिन बकाया किताब का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा गया, भाग पढ़ा गया, भाग बकाया किताब का 4/5 भाग। बकाया किताब देखो, अब बकाया कितना था, यानी बचा हुआ कितना था, ये निकालने के लिए पूरा किताब x पृष्ठ का था, उसमें से 3x/8 पहले ही दिन पढ़ लिया गया, तो जो आएगा अब ये बकाया किताब हो गया, यानी बचा हुआ भाग है, इसमें से आ जाएगा 8 × यानी 8 × x, 8x − 3x माइनस 5x/8 भाग, इतना बकाया दूसरे दिन पढ़ा गया भाग, बकाया किताब का 4/5 भाग। भाई बचा हुआ भाग हमने अभी यहां निकाला, अब इस बचे हुए भाग का 4/5 भाग दूसरे दिन ही पढ़ा गया है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो 4/5 यानी 5 × 5, 5 × 5, 4 × 4, 4 × 8 कुल मिला के 1/2 भाग यहाँ पढ़ा गया था, कितने दिन, सॉरी कितने भाग, 1/2 भाग दूसरे दिन पढ़ा गया। शेष भाग जो बचा हुआ है, शेष भाग कुल मिला के, अब बचा हुआ भाग की बात करें तो उसमें सर बचे हुए भाग है x, तो टोटल भाग थे इसमें से निकल जाएगा 3x/8, ये भाग पहले दिन पढ़ लिया गया था और 1/2 भाग दूसरे दिन पढ़ा गया था, x माइनस इसका लघुत्तम 8 ही होगा और यहां से 3x हो जाएगा, प्लस का ये 4x हो जाएगा, कुल मिला के 7x/8 आ जाएगा और x में से 7x/8 घटेगा तो 8x माइनस का 7x यानी x/8 कितना बचेगा, x/8, बात समझ आ रही है, x/8 भाग है जो किसके बराबर है, 30 पृष्ठ के बराबर है। तो हम करेंगे ये बच्चे इस भाग कितने पृष्ठ में है, इसमें 30 पृष्ठ है, तो 30 पृष्ठ के बराबर x/8 हो गया, यानी x बराबर अगर हम बात करें तो 30 × 8 हो जाएगा, कितना 240 पेज थे, यानी उसमें 240 पृष्ठ थे टोटल, बात समझ में आ गई, कितने पृष्ठ थे उसमें 240, क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर सी देख पा रहे हो, ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो इसी को टिक कर देंगे, आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें इन्होंने कहा एक हाल की विमाएं 20 मीटर 12 मीटर हैं, 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या है जिनसे फर्श पाटा जा सके। एक हाल है जिसकी विमाएं दी गई हैं, हाल की विमाएं यानी हाल की फर्श की विमाएं दी गई हैं 20 मीटर और 12 मीटर, ठीक है, मान लेते हैं ये हाल का फर्श था, इसकी विमा दी गई है यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई कितनी कितनी, यहां 20 मीटर दी गई है और ये 12 मीटर दिया गया है, तो इसमें अगर हमें फर्श लगाना है 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल लगाना, नॉट फर्श लगाना है, 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या हमें बतानी जिससे ये फर्श पाटा जा सके, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो टाइल लगाया जाए इतना लगाया जाए कि इसके पूरे एरिया को कवर कर ले,
यही तो, तभी तो पढ़ा जा सकता है। यानी जो भी वर्गाकार टाइल लगेगा इसमें इस तरह लगाया जाए कि इसकी पूरे एरिया को कवर कर ले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके क्षेत्रफल में एक टाइल का जो क्षेत्रफल है उससे भाग दे देंगे तो हमें लगाए गए टाइलों की संख्या या रिक्वायर्ड जो टाइल्स हैं तो वहां पे लगाने के लिए वो संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, पहले इस आयताकार या जो भी हाल है, हाल का क्षेत्रफल की बात कर लो। हाल का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयताकार है तो लंबाई गुणे चौड़ाई 20 × 12 कुल मिला के 240 वर्ग मीटर। कितना आ गया, 240 वर्ग मीटर आ गया क्षेत्रफल। एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल, वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल, तो वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल, इसकी बीमा कितनी है, भुजा कितनी है इसकी, 4 मीटर वाला भुजा वाला है तो टाइल का क्षेत्रफल 4 × 4 यानी 16 वर्ग मीटर। अतः हाल को पूरा पाटने के लिए लगाए गए टाइलों की संख्या या आवश्यक टाइलों की संख्या, अतः आवश्यक टाइलों की संख्या, कितने टाइल उसमें लगेंगे पाटा जाने के लिए यानी पूरा फर्श, तो यहां से आवश्यक टाइलों की संख्या निकालने के लिए कुल क्षेत्रफल में, फर्श के कुल क्षेत्रफल में एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। मीटर मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 16 × 16 होता है और कितनी बार जाएंगे, 16 × 16 और 16 × 16 बचेगा 8 से 80, 16 × 85 यानी 15 बार जाएंगे। कितना आएगा, 15 रिक्वायर्ड टाइल्स कितने आ गए, 15 यानी इतने टाइल लगेंगे। अगर उस फर्श को पाटा जाना है तो कितने टाइल लगेंगे, 15। बात समझ में आ गई, क्या ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? हाँ, आप देख पा रहे हो, अगर आप क्वेश्चन में 52 की बात कर रहे थे तो उसमें 15, ये ऑप्शन में बी एग्जैक्टली करेक्ट है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर 53 में 3500 की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130 हो जाएगी। ये क्या है, एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो इसके लिए हम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसे हम जानते हैं कैसे लगाते हैं। पहले इसमें क्या चीजें दी गई है वो चीजें डिफाइन कर लो। 3500 रुपये की राशि है यानी इसमें मूलधन जो है 3500 रुपये, प्रिंसिपल कितना 3500 रुपये। इन्होंने कहा इस राशि को 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130 हो जाएगी। हाँ, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर दिया है 6% वार्षिक या पर एनम बात कर ले वही बात, और हमें निकालना है कितने वर्षों में यानी टाइम निकालना है, दिया क्या गया है मिश्रधन अमाउंट, टोटल अमाउंट कितने वर्षों में कितना हो जाएगा, यहाँ पे बात कर रहे थे 4130 हो जाएगा, तो 4130 रुपए होने की बात कर रहे हैं। चलो अब हमें जो जो दिया गया इसी का यूज करके हमें क्या फाइंड करना है, टाइम। तो टाइम निकालने के लिए सबसे पहले SI निकालो, बिकॉज हम जानते हैं जो टाइम का फार्मूला होता है वो क्या होता है, SI × 100। टाइम निकालना होता है तो क्या होता है, SI × 100 डिवाइड बाई P × R। जनरल सा फार्मूला जो SI का होता है क्या, PRT डिवाइड बाई 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। उसी फार्मूले से ये टाइम के लिए फार्मूला बन गया, साधारण ब्याज में होता है ना ऐसा। तो अब हम बात कर रहे हैं, देखो पहले हमें SI पता कर ले, बाकी तो सर प्रिंसिपल दिया गया है, रेट भी पता है और 100 तो एक कॉन्स्टेंट टर्म है। चलो SI कैसे निकालेंगे, SI के लिए एक फार्मूला आप जानते हो, SI = होता है A - P। क्या A - P, तो A कितना यानी अमाउंट कितना, प्रिंसिपल तो पता है, अमाउंट कितना 4130 दिया गया, 4130 माइनस 3500 ये प्रिंसिपल हो गया। आंसर की बात कर लो तो 3500 घट जाएगा 4130 में, तो 630 कितना बचेगा, 630 ये आ गया SI। This is one is equal to SI, यानी जो 630 आप लाए SI आ गया। अब हम इस SI का यूज यहाँ पे करेंगे, 630 × 100 / principal कितना 3500
आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है भाई। चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 1200 उसका कैंसिल हो गया। अब यहां से हम इसको काटेंगे, काटने का मतलब ये 6 कम 6 और 6 कम 6, और यहां से देखिए 3 से कटेगा नहीं, तो एक और अंक लेना होगा, तो 0 बढ़ाकर 6 × 35 यानी 105 ऊपर बचेगा, और नीचे कितना बचेगा 35, 105 बटे में 35, 35 या 105 यानी 3 वर्ष में, कितने वर्ष में 3 वर्ष में इतना धन 3500, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4130 हो जाएगा, कितने वर्ष में 3 वर्ष में। आ गया ना आंसर, बिल्कुल आ गया। चलिए इसी को टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी है ना, बिल्कुल मैच कर रहा है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54 की बात करेंगे, यहाँ पे सॉरी, इन्होंने कहा ₹30 में एक दर्जन पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को ₹10 का लाभ प्राप्त होता है, उसका प्रतिशत लाभ है। ₹30 में एक दर्जन पेंसिल अगर बेचता है तो दुकानदार को 10 का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो ठीक है, ₹10 का लाभ होता है, इसका मतलब वो ₹20 में सारी चीजें खरीद कर लाया था, यही ना, क्यों ₹30 में एक दर्जन पेंसिल बेचा और ₹10 का लाभ हो गया उसको, इसका मतलब वो एक दर्जन पेंसिल खरीद कर कितने में लाया था, कितने में लाया था, ₹20 में। क्यों? क्योंकि ₹30 में ही बेच दिया और ₹10 का उसको लाभ हो गया, यही तो बता रहा है। ₹30 में एक दर्जन पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को ₹10 का लाभ प्राप्त होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ है। इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, पहले उसका एक दर्जन का, अब इसके हिसाब से देखो, एक दर्जन का क्रय मूल्य यानी एक दर्जन पेंसिल का जो क्रय मूल्य होगा वो ₹20 हो जाएगा, क्योंकि ₹10 उसका लाभ उसमें घट जाएगा उसके विक्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य पता चल जाएगा। 20 लिखना था, मैंने 10 लिख दिया, रुपया कितना 20, ठीक है ₹20। बात समझ में आ गई कैसे, ₹30 बेचा है लेकिन 10 का लाभ हुआ, इसका मतलब वो ₹20 में खरीद कर लाया था, जनरल सी बात है। अब हम बात करेंगे तो एक दर्जन में कितने संख्याएं होती है भाई, 12 होती है, किसी भी एक दर्जन यानी 12 का कॉस्ट जो है 20, क्रय मूल्य ₹20 है, तो एक कितने में खरीद कर लाया था, एक खरीद कर लाएगा 20/12 रुपए में, एक इतने में खरीद कर लाया 20/12 रुपए में, सही है ना। अरे ₹20 एक कीमत क्या है, एक पेंसिल है ये, क्या है सॉरी पेंसिल है, एक पेंसिल का सीपी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20/12 रुपए। चलो हम बात कर रहे हैं एक पेंसिल का सीपी इतना आ गया, और एसपी ऑफ 12 पेंसिल यानी अगर 12 पेंसिल की बात कर लो तो बेचा कितने था, कितने में था, ₹30 में उसने, तो एसपी ऑफ 1 पेंसिल भाई, एक पेंसिल का एसपी कितना होगा, 30/12। बात समझ में आ रही है। अब लाभ की बात करो, लाभ यहां से निकालेंगे उससे नहीं, मतलब ₹10, ₹15, ₹20 का लाभ होता उससे नहीं, मतलब लाभ कितना हुआ एक पेंसिल पे, तो एक पेंसिल पे जितना लाभ होगा उसका लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, वही पूरे पे चलेगा। लाभ यानी कि प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसके लिए होता है एसपी माइनस सीपी यानी सेल्फ प्राइस माइनस क्रॉस प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो कितना बेचा था, एक बेचा था 30/12 रुपए में, और यहां से खरीद कर लाया था 20/12 रुपए में, ठीक है 20/12 में खरीद कर लाया था यानी 10/12 का उसको लाभ हुआ एक पे। तो ऐसे में लाभ प्रतिशत की बात कर लें, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत मतलब लाभ बटे में क्रय मूल्य, सॉरी लाभ इतने का हुआ 10/12 का, और क्रय मूल्य एक खरीद कर कितने में लाया था, एक खरीद कर लाया था वो 20/12 रुपए में, कितने में 20/12 गुणे 100, तो ये 12/12 कैंसिल, अब मिला के कितना हो गया 10/20 गुणे 100, 20 × 1 = 20 है ना, और 20 × 5 = 100, 10 × 5 = 50 यानी 50% का लाभ हुआ उसे,
कितने का 50% का लाभ। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे, बहुत ही इजी था, मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिस कर दिया, कोई बात नहीं, आप दूसरे तरह से भी कर सकते हो। देखो मैंने जो कहा था ना उसी का यूज करना था। आप क्या करते हैं, 30 में एक दर्जन पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 10 रुपए का लाभ होता है, यानी क्रय मूल्य में आपने निकाल लिया 20 रुपए, 10 रुपए 30 रुपए में बेचा है और 10 रुपए का लाभ हुआ उसको, उसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितने का रहा होगा, 20 का। अब 10 का लाभ, लाभ प्रतिशत पूछा था ना, डायरेक्ट करते कैसे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ 10 रुपए का, और कितने पे लाभ 10 रुपए का हुआ है, क्रय मूल्य पे देखा जाता है, तो 20 रुपए पे गुणे 100, इस तरह से 20 से कम 20, 20 से 100, 10 50% डायरेक्ट आ जाता है, कितना आ जाता, 50%। बात समझ में आ गई, 50% का उसको लाभ हुआ है। क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे? हाँ, ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्टली मैच कर रहा है तो टिक कर दीजिए, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है तो टिक कर दीजिए भाई, अब इसमें कोई डाउट है नहीं तो फिर टिक कर दीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने कहा किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, दुकानदार 5% की छूट देता है फिर भी 25% का लाभ कमाता है, वस्तु का लागत मूल्य है, वस्तु का लागत मूल्य है, वस्तु का लागत मूल्य क्या है, पहले अंकित मूल्य की बात कर लो, 500 रुपए है, 5% की छूट देता है फिर भी 25% का लाभ कमाता है, वस्तु का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस पूछना है ना। देखो मार्क प्राइस यानी एमपी दिया है, मार्क प्राइस मतलब होता है अंकित मूल्य, कितना दिया 500 रुपए, डिस्काउंट मिलता है उसको 5% का, तो डिस्काउंट निकाल लेते हैं, कितने डिस्काउंट के बाद क्या होगा, तो 500 का 5% निकाल दिया जाए, 25% रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा तो बचेगा एसपी क्या हो जाएगा, सो एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा एमपी माइनस, यानी 500 रुपए में से 25 घट जाएगा, 475 रुपए में बेचा जाता है वो सामान जो भी है, वस्तु है 475, लिखा उस पर 500 रुपए था लेकिन 475 रुपए में बेचा गया, फिर भी उसे 25% का लाभ होता है, तो सीपी निकालना है। अब ऐसे में सीपी के लिए मैंने कल इससे पहले के जो वीडियोज लाए हुए थे उसमें हमने सीपी के लिए डायरेक्ट फार्मूला बताया क्या, सीपी इज इक्वल टू, जब भी एसपी हो आपका लाभ प्रतिशत पता हो तो सीपी इज इक्वल टू होता है एसपी इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, एसपी कितना, एसपी 475 रुपए में बेचा गया है गुणे 100, ठीक है, बटे में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, अभी भी इसको 25% का लाभ हुआ था तो 25% का प्रॉफिट परसेंट हो गया, चलो 4,700 कितना हो जाएगा, 47,500 बटे में 125 से ही भाग दे दो, 25 से काट देते हैं, 25 पंचे 125 और 25 एकम 25 क्या, हाँ दो बार नहीं जा सकते, 25 एकम 25 बचेगा कितना, यहां से हो जाएगा 15 और 7 कितना होता है 22, यानी 225 हो जाएगा फिर, तो 25 अट्ठे 200 होता है सर, 25 नौ 225 यानी 19 बार जाएंगे और फिर यहाँ बटे में 5 हो जाएगा, अभी 00 तो है चल रहा ना, 1900 बटे 5 और सॉल्व कर लो थोड़ा सा, 1900 बटे 5 5 एकम 5 5 3 15 4 40 5 8 40 380 कितना हो गया 380, क्या कोई ऐसा, ये 380 आया क्या है, कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य, वस्तु का लागत मूल्य कितना था 380 और जिसको कितने में बेचा गया 475 रुपए में, अंकित कितना था उस पे 500 रुपए, लाभ कितना हुआ 475 रुपए में बेचने पर 25% का, ठीक है, ये 5% पहले छूट देता है फिर भी 25% का लाभ होता है, तो इसका मतलब अंकित मूल्य 380 रुपए, ऑप्शन नंबर डी, ओके ऑप्शन नंबर डी, बात सुन आ गई, पहले हमने मार्क प्राइस नोट कर लिया उसके हिसाब से डिस्काउंट निकाल लिया 5% डिस्काउंट इसमें से माइनस करके, यानी बेचा गया 475 रुपए में, तब बात कर ले अगर 25% का अभी भी इसको लाभ हो रहा है तो इसका मतलब सीपी हो गया 380 रुपए, बात क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
56 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं। भाई किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती है, 7 हो या 13, कोई भी 7 13 हो या कोई भी दो परिमेय संख्याएं हो, इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, अनंत। कितनी अनंत, कोई डिफाइन कर सकते हो कितने होंगे, 2 4 6 10 15 20 अनंत। हम गिन नहीं सकते सर, बता नहीं सकते कितनी होती, बहुत सारी होंगी तो अनंत होंगे, ठीक है, कोई अंत ही नहीं है इसका, इतनी संख्याएं होंगी इनके बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 57 की, जिसमें कह रहे हैं 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का अंतर है। बृहत्तम मतलब से मैक्सिमम, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, और हमें न्यूनतम की बात कर रहा है इसका मतलब स्मॉलेस्ट नंबर। तो बृहत्तम संख्या हो जाएगी 9999, न्यूनतम संख्या हो जाएगी 4 अंकों की 1000। क्या पूछ रहा, अंतर पूछा है तो घटा दीजिए छोटी वाली संख्या को बड़ी वाली संख्या से, तो आ जाएगा 8999। कितना आ जाएगा, 8999। कौन सा ऑप्शन करेक्ट, सी। बात समझ आ गई, बहुत इजी था। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी बृहत्तम मतलब बड़ी, और न्यूनतम मतलब सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा गया था, तो हमने वही निकाल दिया 8999। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। इन्होंने कहा 0.0159 में 1 का स्थानीय मान है, तो 1 का स्थानीय मान ये कौन से, ये आपका 100th प्लेस पे लाई कर रहा है। देखो इसमें मैंने जो संख्या वहां लिखा गया है 0.0159 में 1 का स्थानीय मान है, तो 1 का स्थानीय मान अगर आप राइट करना चाह रहे हो तो ये 100th प्लेस पे है, यानी शतांक पे है, तो शतांक का जो स्थानीय मान होता है 1/100, और संख्या भी यहाँ पे 1 ही है, तो इसका आंसर यही यही हो जाएगा 1/100, और 1/100 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगर यहाँ पे 0 की बात करता तो 0/10 है ना, अगर कोई 5 की बात करता तो 5/1000, ये इस तरह से स्थानीय मान इनके निकल जाते। बात समझ में आ गई, ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करेंगे, यानी 59वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लें। इन्होंने कहा प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं में 5 और 7 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। हाँ, देखो भाई 5 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली जो संख्याएं होंगी वो उनका प्रोडक्ट होंगी, है ना, क्योंकि दोनों ही 5 और 7 क्या है, बोथ आर को प्राइम नंबर। ये कैसे है, को प्राइम नंबर, तो इनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे पहले कटने वाली जो संख्या होगी इनकी, इनका प्रोडक्ट ही होगा 7 × 5 = 35, यानी दोनों से सबसे पहले जो कटेगी वो संख्या क्या होगी, 35। अब 200 तक, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं में, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं में 5 और 7, यानी हाँ बेटा ये 200 यानी 1 से लेकर 200 तक की बात कर रहे हैं, 200 संख्या है उसमें 5 और 7 से कटने वाली या विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या बतानी है, तो पहला 35 हो जाएगा सर, दूसरा 70, तीसरा 105, चौथा इसी का मल्टीपल करते जाओ ना, 35 × 70 = 105, चौथा 140 हो जाएगा सर, उसके बाद 175, फिर 175 के बाद 35 और जोड़ दो, 5 × 5 = 10, यानी कुल मिलाकर 210। तो ये वाला क्या लिया जाएगा, क्या ये वाला इंक्लूड करेंगे, नहीं हमें 210 के नहीं, 200 के अंदर तक का चाहिए था, 200 तक का, ये भी नहीं लिया जाएगा, कुल मिलाकर इतने काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 और 7 से दोनों से विभाजित होंगे 200 के अंदर या 200 तक, 5, कितनी संख्या है, 5, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, बातें समझ में आ रहे होंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी होता है ऐसा, कभी भी आप करते हुए थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहिए, चीजों को पेशेंसली कीजिए, इजली आप सारे सॉल्व कर लोगे, वो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो आपसे ना हो सके। ओके, कभी कभी हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग उस पर ऑब्जर्वेशन क्लियर कीजिएगा तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। वो भी संख्याओं 90, 60, 75 और 35 का लघुत्तम समापवर्त है, यानी एलसीएम निकालना, एलसीएम निकालने का तरीका तो आप लोग जानते ही हो, जो जो संख्या इन्होंने बोला है 90 60 75
साठ, पचहत्तर और पैंतीस का एलसीएम निकालना है हमें। तो ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए आप इसको हम डिवीजन मेथड यानी भागविद द्वारा कर देते हैं। भागविद द्वारा करने के लिए दो से काट देंगे तो 45 आ जाएगा, यहाँ से 30 आ जाएगा, 75 कटेगा नहीं कॉपी हो जाएगा, 35 भी नहीं कटेगा, ऐसे कॉपी कर देंगे इसको उतार देंगे। फिर अभी दो से काटे हैं तो दो से कोई संख्या कटेगी? हाँ एक संख्या कट रही है, 45 नहीं कटेगा, लेकिन हाँ ये कट जा रहा 15 से, और ये 75 भी नहीं कटेगा, ये 35 भी नहीं कटेगा, तीन से काट देते हैं। तीन से काटने पर ये 15 तिया 45 और ये 5 तिया 15 और ये 25 तिया 75 और ये 35 नहीं कटता है तो 35 ऐसे आ जाएगा। हम बात कर लें फिर किससे कटेगा, तीन से कटेगा, हाँ तीन से कटेगा अभी संख्या, तीन पचे पंद्रह, पांच कटेगा नहीं, 25 कटेगा नहीं, 35 नहीं कटेगा। पांच से काट देते हैं, पांच से काटेंगे तो क्या आएगा, पांच एकम पांच, पांच एकम पांच, पचौम 25, पांच सते 35। अभी क्या है, पांच और सात से ही काटना होगा, यानी इसके और दो गुणनखंड आएंगे, पांच एक 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 सात, फिर सात से काट देंगे तो सात का गुणा, सॉरी ये सात कम सात, ठीक है बात समझ में आ गई। अब इसका हम गुणन फल निकालेंगे, इनके जो भी गुणनखंड आए हैं इनका गुणन फल प्रोडक्ट निकालिए, गुणा कर लीजिए सबको, दो गुणे दो गुणे तीन गुणे तीन गुणे पांच, कितनी बार पांच, दो बार ना, गुणे सात, एक दो तीन चार पाँच छ सात, एक दो तीन चार पाँच छ सात, बात खत्म। अब इसका मल्टीप्लाई करो, दो दुना चार तीन बारह तीन छत्तीस पंचे 180, 180 पंचे कितना होता है 900, 900 सत्य कितना होता है 6300, 900 सत्य कितना होता है 6300, यानी इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा इन संख्याओं का 6300, ऑप्शन नंबर बी इज एग्जैक्टली करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से ये आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। आई होप जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ओके तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे लिंक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो हम आपको लाते रहेंगे। ओके तो आज के लिए क्लास समाप्त।